आपकी कोई टक्कर नहीं। नवाब साहब, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमें राजनीति से अब कोई लगाव नहीं। हम आराम और सुकून की जिंदगी बसर करना चाहते हैं। मैं आपको जमानत देता हूं कि आपकी जायदाद आपकी रहेगी और हुकूमत से आपका वजीफा बरकरार रहेगा। धन्यवाद, हम भी यही चाहते थे, इसीलिए आपको कष्ट दिया था। आज से हमारे और आपके बीच की दुश्मनी की सारी दीवारें गिर गईं। आज से आपकी हमारी सुलह, आज से आपकी हमारी दोस्ती। वादा रहा। महारानी साहिबा, आज आपने एक बहुत बड़ा बोझ हमारे दिल से उतार दिया, जिसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहेंगे। खुदा हाफिज। नरसैया राव, प्रणाम महारानी साहिबा। नरसैया राव, तुम हमारे बड़े पुराने सेवक हो, तुम्हारी वफादारी पर हमें नाज है। ये मेरा सौभाग्य है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम तुम्हें एक अहम और राजदाना जिम्मेदारी सौंपते हैं। आज्ञा की देर है महारानी साहिबा। हम 5,000 पगोड़े तुम्हें इनाम में देंगे और मैसूर राज्य के प्रधानमंत्री की पदवी अलग से। महारानी जी की आज्ञा पालन ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। नरसैया राव, तुम्हें हैदर अली के खिलाफ जबरदस्त अफवाहें फैलानी है। नरसिंह राव आओ। कहो भाई साहब, कैसे हो? सब ठीक ठाक है। अरे भाई, रोटी सब्जी भेजना। कहाँ से आ रहे हो? महल से आ रहा हूँ। सब कुशल मंगल तो है ना? क्या कुशल, क्या एक अकुशल, क्या जमाना आ गया है, ईश्वरी बचाए। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया। अरे भाई, सब कुशल है, सब ठीक है। नहीं दोस्त, कुछ गड़बड़ जरूर है, बताओ ना। सच कहता हूँ, कुछ नहीं हुआ। मुझसे छुपा रहे हो? कहो ना, क्या हुआ? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। राज की बात है, किसी से ना कहना। नहीं भाई, मुझे क्या पड़ी है किसी से कहने की। किसी से कहना नहीं, महारानी के जासूसों से यह पता लगा है कि हैदर अली लक्ष्मण राव को हटाकर खुद मैसूर के बादशाह बन जाएंगे और एक तिहाई मैसूर वो कंपनी को दे देंगे। उसके बदले अंग्रेज उन्हें मैसूर का बादशाह तस्लीम कर लेंगे और उनसे कभी जंग नहीं लड़ेंगे। घोर अंधेर है ये तो, घोर अंधेर। राजपाट किसी का और बादशाह कोई और। हे राम, हैदर अली से ऐसी गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। बाबा, दौलत और ताकत का नशा अच्छे अच्छों को अंधा कर देता है। तुम ठीक कहते हो भाई, मैसूर का एक तिहाई हिस्सा अंग्रेजों के हाथ चला जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे तो यकीन नहीं भाई, किसी ने बेपरकी उड़ा दी है। नहीं भाई, आज सारे मैसूर में इसी बात का चर्चा हो रहा है। नवाब हैदर अली साहब बहादुर बूढ़े हो चले हैं, कब तक लड़ेंगे अंग्रेजों से? ये उम्र तो आराम से काटने की है, इसीलिए बादशाही का शौक हुआ है। लेकिन हम हैदर अली को बादशाह नहीं बनने देंगे, हम उनके खिलाफ बगावत करेंगे। तुम ठीक कहते हो, हम अपनी मातृभूमि के लिए हैदर अली से बगावत करेंगे। हम बगावत करेंगे, हैदर अली के खिलाफ बगावत करेंगे। हैदर अली को बादशाह नहीं होने देंगे, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। हम जान दे देंगे, मैसूर हमारा है। मैसूर का कोई भी हिस्सा हम अंग्रेजों को नहीं देंगे। बगावत जिंदाबाद। हाँ हाँ, हैदर अली मुर्दाबाद। बगावत जिंदाबाद। हैदर अली मुर्दाबाद। बगावत जिंदाबाद। हैदर अली मुर्दाबाद।
हमारे खिलाफ हमारी आवाम बगावत के नारे लगाए और वो भी दूर दराज के गांव के भोले भाले किसान। हमारे कानों को यकीन नहीं आता पंडित। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है हैदर साहब, लेकिन सरदार गाजी खान झूठी सूचना तो नहीं ला सकते। आंखों देखी और कानों सुनी हुई बात झूठ नहीं हो सकती पंडित। ये सच है हैदर कि गांव के किसान चौपाल पे खड़े होकर आपके खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो फिर आप लोगों ने उन्हें फौरन हिरासत में क्यों नहीं ले लिया? हैदर साहब, हमने उन्हें हिरासत में लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि फौजी कार्रवाई से बात और बढ़ जाती। सबसे पहले हमने खबर आपके कानों तक पहुंचानी जरूरी समझी, इसके बाद जो फौजी कार्रवाई का हुक्म आप देंगे उस पर अमल किया जाएगा। सरदार गाजी खान सही फरमा रहे हैं हैदर साहब, भूले वाले लोगों को गिरफ्तार करने से इन अफवाहों को और भी पुष्टि मिल सकती है। अब सवाल यह है कि इन अफवाहों के पीछे किसका हाथ है? आखिर आग लगाई किसने? सरदार गाजी खान, सरदार मोहम्मद अली कुमेदान, जासूसी महकमे की मदद से अफवाहें फैलाने वाले इन गद्दारों को गिरफ्तार करके फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। ओ हुक्म हैदर साहब। लगता है कि सारे फसाद की जड़ यही है, कम वक्त बच के न जाने पाए। आओ सिपाहियों, चलो। बता दे नहीं तो तेरी खाल खींच लूंगा। मुझ पर रहम कर, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ सच सच बता दू, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ सच सच बता दू। सरदार गाजी खान रुक जाओ, अगर ये सब कुछ बताने के लिए तैयार है तो इसे वो मौका दे दो। अगर एक लफ्ज भी झूठ बोला तो तेरी जुबान खींच ली जाएगी। मैंने हैदर अली के खिलाफ अफवाहें जरूर फैलाई, मगर इसमें महारानी मैसूर का हाथ है।
मुझे प्रधानमंत्री बनाने का लालच दिया गया। मैं मूर्ख बिना सोचे समझे उनके बहकावे में आ गया। मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। सरदार गाजी खान, इस गद्दार को कैद खाने में डलवा दो। जो हुक्म। गाजी खान जी, सिपाहियों से हथियार छीन लिए जाएं। जो हुक्म हैदर साहब। हमारी आज्ञा के बिना महल में प्रवेश करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हैदर अली? महारानी साहिबा, गुस्ताखी की मुआफी चाहूंगा। शायद आप अभी तक ख्वाबों की दुनिया में सोई हुई हैं, या फिर जानबूझकर वक्त और हालात की नजाकत से बेबहरा बनी हुई है। हम आपका मतलब नहीं समझे। आप जो बात कहना चाहते हैं साफ साफ और खुलकर कहिए हैदर अली। आज रियासत मैसूर पर जो जंग के घनघोर काले बादल छाए हुए हैं, उनकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं महारानी साहिबा, सिर्फ आप। वरना ईस्ट इंडिया कंपनी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रियासत मैसूर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। हैदर अली, मैसूर राज्य की जितनी भलाई आप चाहते हैं, हम भी अपनी प्रजा की उससे ज्यादा भलाई चाहते हैं। महारानी साहिबा, काश आपके इस बयान में जरा सी भी सदाकत, जरा सी भी सच्चाई होती। खैर, हम आपसे इस वक्त वतन परस्ती पर बहस मुबाहसा करने नहीं आए, बल्कि आपको महाराजा मैसूर का नुमाइंदा होने की हैसियत से सरकारी हुक्मनामा पेश करने आए हैं। नकीब, महारानी साहिबा को हुक्मनामा पढ़कर सुनाया जाए। मैसूर सरकार राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए महारानी साहिबा की गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाती है। महारानी साहिबा को संपूर्ण राजकीय अधिकारों से वंचित किया जाता है। केवल महल की देखरेख और बांधियों तक ही उनका हुक्म सीमित रहेगा। महल के बाहर के किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए महारानी साहिबा को आज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। महारानी साहिबा की पूरी सुरक्षा और उनके सुख आराम का सारा दायित्व सरकार अपने ऊपर लेती है। बहुक्म महाराज अधिराज लक्ष्मण राव। महारानी साहिबा, आठों पहर एक शाही कोतवाल आपकी देवड़ी पर तैनात रहेगा और आप जब चाहें उसे अपनी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दे सकती हैं। चलो। और हुकूमत करो के उसूल पर अमल करते हुए हिंदुस्तानी रियासतों में अपने कदम जमाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अब सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, और वो मकसद था किसी न किसी तरह बरतानवी शहंशाहियत की बुनियाद हिंदुस्तान में डालनी चाहिए। और इसके लिए हर जायज और नाजायज तरीका भी इस्तेमाल किया जाए जो उनके मकसद को पूरा करता हो। इसीलिए हैदर अली से सुलह नामों दोस्ती के मुआहिदों की परवाह न करते हुए
अपनी नेक नियति का बार बार यकीन दिलाने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत हैदर अली को किसी न किसी बहाने सताती रहती है और खत्म करने की नाकाम कोशिश करती रहती है। इसलिए एक बार फिर उसने हैदर अली को खत्म करने और मैसूर पर कब्जा जमाने के लिए हमला करने की खुफिया तैयारी की। आराकाट के पास बंबई की अंग्रेजी और निजाम हैदराबाद की मिलीजुली फौज जनरल मैथ्यूज की कमान में और मद्रास के बाहर एक बहुत बड़ा लश्कर जनरल सदरलैंड की कमान में तैयार हुआ। लेकिन जासूसों के जरिए हैदर अली को अंग्रेजों के मंसूबों का पता चल गया। और हैदर अली अपने वफादार जांबाजों जानिसार साथियों के लश्कर के साथ जनरल मैथ्यूज की फौज का मुकाबला करने के लिए अराकान की तरफ चल पड़े। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। आओ आओ गाजी खान, बैठो। अल्लाह। कहो गाजी खान, ईस्ट इंडिया कंपनी का मिजाज कैसा है? इंशाअल्लाह हैदर भाई, कल आरकाट की जमीन आपके कदम चूमेगी और मद्रास टीपू के तलवार के साये में होगा। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे गाजी खान। आमीन। ठीक है, अंग्रेज अपनी हसरत पूरी कर ले, हम भी अपनी हसरत निकालेंगे। एक तरफ कहरे हैदरी होगा तो दूसरी तरफ जलाले टीपू सुल्तान। मेरा मन तो टीपू सुल्तान के युद्ध में लगा है। क्या युद्ध करते हैं, ईश्वर उन्हें बुरी नजर से बचाए। जवान होकर तो वो और भी महावीर हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हमें ये फिक्र नहीं रही कि हमारे बाद मैसूर का क्या होगा। टीपू की रगों में हमारा खून है और वो मैसूर की आजादी की जमानत है। सुना है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये मैसूर के खिलाफ एक फैसला कुन जंग होगी और इस मकसद के लिए खास इंग्लिस्तान से कोई जनरल तीसमार खान बुलवाए गए हैं। हाँ, सदरलैंड, जनरल सदरलैंड, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही गर्मी के मारे गश खाकर गिर पड़ा था, फिर बड़ी मुश्किल से होश में आया। ये होश भी चंद रोज का है। टीपू सुल्तान की शमशीर देखने तक
Generally speaking, sir, these Indian princes and rulers are a peculiar lot, sir. Jabhi koi dabav dala, ya to joor jabarsasti se kaam liya, ya to aapas mein ladvaya, to un logo ne hamare aage hathiyar dal diye. Lekin, sir, is Haider Ali ke baad aur kuch hai. Us baar hamari koi bhi tarkeeb kaam nahi karti. Uski talwar hamesha humse unchi rehti hai. Aur iske sipahi aur Mysur ke awam, chahe Hindu ho ya Musalman, unke ek hi ishare pe jaan de dete hain. Iska ek hi ilaaj hai. We must finish him. Haider Ali and his son Tipu Sultan. Yes, yes. Colonel Smith, humko Tipu ke baare mein bhi kuch aur batao. Well, General Sutherland, sir, patriotism mein, bahaduri mein, himmat mein, popularity mein, Tipu apne baap se kam nahi hai. Any weakness? No, sir. He doesn't drink, he's very principled and extremely committed. I see. But he must be having some likes and dislikes. Well, I don't know what his likes are, sir, but I do know what his dislikes are. What? The British. Uski shohrat puri Hindustan mein phail gayi hai. Hamare khilaf sare Hindustan ki nazre Tipu Sultan pe lagi hui hain. Wo ek hero ke jaisa pooja jata hai. Aur uski itni dhaak baithi hui hai ki hamare khud ke angrez officer aur sipahi uska naam sunkar demoralized ho jate hain. That is enough. Hum dekhenge wo kitna bahadur hai. Hum dekhenge. सुल्तान अपनी फौज के साथ आ रहे हैं। कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, बस 3 कोस की दूरी पर हैं। Colonel Smith, yes sir. We'll meet Tipu here. Right sir. Prepare for battle. Yes sir. Lieutenant. Yes sir. Alert the artillery. Okay sir. Right. Form your ranks. Prepare for battle. Form up! Into position! Right shoulder! Colors at the ready! One, two, three, four! Left shoulder! Thank you.
Have you ever seen Tipu Sultan, sir? No, never. And you, shut up. Let me concentrate. I'm sorry, sir. What news? Sir, Tipu ki fauj ek kos ki duri par hai. Kitni fauj hai? Zyada nahi, mutthi bhar. Okay, fine. We'll teach him a lesson here. Yeh behtareen mauka hai Tipu ko yahi khatam karne ka. Colonel Smith. Yes, sir. Prepare the artillery. Yes, sir. Artillery, prepare to fire on my order. Oh, God!